हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूज़ 2023। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं तो वो न्यूज़ में आती है और न्यूज़ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, इसलिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी होस्टेड द सेमिकॉन इंडिया 2023। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी गुजरात। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया 2023 को कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। थीम रही है इसकी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू सेट अ रिकॉर्ड बाय होस्टिंग द फ्लैग 10 times? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। इस साल 15 अगस्त 2023 को यानी इंडिपेंडेंस डे 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार हमारे नेशनल फ्लैग को फहराया है, यह आप याद रखिएगा। और ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सेट किया है इस रिकॉर्ड को। बात करें इंडिपेंडेंस डे 2023 की तो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 77th इंडिपेंडेंस डे इन 2023। थीम रही है इंडिपेंडेंस डे 2023 के नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है हर घर तिरंगा कैंपेन को भी, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस इनोग्रेटेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस ICC 2023 को कहाँ पर इनोग्रेट किया है? तो याद रखिएगा प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इसकी थीम रही है अमृतकाल प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। ये ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया NCUI के द्वारा। इसकी एम है डिस्कस करना वेरियस ट्रेंड्स इन कोऑपरेटिव मूवमेंट, शोकेस बेस्ट प्रैक्टिसेस बीइंग अडॉप्टेड, डेलिब्रेट चैलेंजेस बीइंग फेस्ड एंड चौक आउट फ्यूचर पॉलिसी डायरेक्शन फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियाज कोऑपरेटिव मूवमेंट। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को, ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश की शहडोल डिस्ट्रिक्ट में, ये आप याद रखिएगा। इसकी एम है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना इंडिया से। ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया के 17 स्टेट्स में जो कि कवर करेगा 278 डिस्ट्रिक्ट्स को। मध्य प्रदेश को इसलिए चूज़ किया गया है लॉन्च करने के लिए क्योंकि मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सिकल सेल डिजीज़ की बात करें तो इसे जाना जाता है सिकल सेल एनीमिया के नाम से। यह एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द गोल ऑफ 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नामित किया है अमृतकाल को एज कर्तव्यकाल, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्टर इनोग्रेटेड द साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर ये इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा वर्चुअली। कहाँ पर? तो पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में। इसका फोकल पॉइंट है डिस्कशन का वो है स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जिनमें इन्वॉल्व रहे स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संथाली लैंग्वेज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हुल दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए यूज़ किया था संथाली लैंग्वेज की ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का। बात करें ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट की तो ये क्रिएट की गई थी 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा संथाली लैंग्वेज के लिए, और ये पब्लिसाइज्ड की गई थी फर्स्ट टाइम 1939 में कहाँ पर? मयूरभंज स्टेट एग्जीबिशन में। बात करें हुल दिवस की तो हुल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 30 जून को इन द मेमोरी ऑफ ट्राइबल लीडर्स। ये ट्राइबल लीडर्स थे सिद्धो कन्हू मुर्मू, इन्होंने लेड किया था संथाल हुल यानी रेबेलियन को। ये रेबेलियन शुरू हुआ था 30 जून 1855 में झारखंड में। संथाल रिबेलियन जिसे जाना जाता है संथाल हुल के नाम से भी, ये शुरू हुआ था 1855 से लेकर और चला 56 तक।
ये एक रिवोल्ट था किसके अगेंस्ट, तो याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट, किसके द्वारा, संथाल के द्वारा। इस रिबेलियन को लेड किया गया था फोर सिबलिंग ब्रदर्स के द्वारा, जिनके नाम हैं सिद्धू, कन्हू, चांद एंड भैरव। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड किया है बेस्टाइल डे परेड को एज गेस्ट ऑफ ऑनर। 14 जुलाई को मार्क किया जाता है एनिवर्सरी ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल प्रिजन ऑन जुलाई 14, 1789 ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रांस का एक नेशनल डे है और इसी दिन शुरुआत हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, और इसलिए इसी दिन को हर साल मनाया जाता है नेशनल बेस्टाइल डे परेड के रूप में फ्रांस में। और इस साल नरेंद्र मोदी जी इस परेड में गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। और फ्रेंड साथ ही याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 में इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस में थे। नेक्स्ट, Which country has conferred its highest honor Grand Cross of the Legion of Honor on Prime Minister Narendra Modi in July 2023? Right answer हो जाएगा option C, France. Prime Minister Narendra Modi जी को conferred किया गया है France country के highest honor the Grand Cross of the Legion of Honor से, किसके द्वारा, तो French President Emmanuel Macron जी के द्वारा। इसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन गए हैं फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कि इस ऑनर को रिसीव किया है। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गिफ्ट किया है सैंडलवुड सितार को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। यह है सैंडलवुड सितार। 2014 से अब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कई इंटरनेशनल अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है, इनके बारे में देख लेंगे। फर्स्ट है फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया, इजिप्ट के ऑर्डर ऑफ नाइल से, पपुआ न्यू गिनिया के ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से, फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से, रिपब्लिक ऑफ पालुआ के एबाकी अवार्ड से, भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो से, यूनाइटेड स्टेट्स के लीजन ऑफ मेरिट से, बहरेन के किंग हमद ऑर्डर ऑफ रेनेजांस से, मालदीव के ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से 2019 में, रशिया के ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से 2019 में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑर्डर ऑफ जायद से 2019 में, पैलेस्टाइन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड 2018 में, अफगानिस्तान के स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्ला खान से 2016 में, सऊदी अरबिया के ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल साउस 2016 में ऑनर किया गया था। ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया न्यू पार्लियामेंट हाउस को इंडिया के 2023 में। ये डिज़ाइन किया गया है HCB डिज़ाइंस के द्वारा, ये आपने याद रखना है। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। इसकी शेप है ट्रायंगुलर। चीफ आर्किटेक्ट रहे बिमल पटेल जी, सेनेगोल। ये प्लेस्ड किया गया है लोकसभा में स्पीकर की सीट के बराबर में। एट द टाइम ऑफ द इनोग्रेशन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इस सेप्टर को हैंडेड ओवर किया गया था इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को, टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियंस। इंडिया के गोल्डन सेप्टर को रिसीव करने के बाद इस चोला डायनेस्टी आर्टिफैक्ट को लाया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली हॉल में इन अ प्रोसेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 75 रुपीज कॉइन ऑन द इनोग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर इंडिया G7 समिट 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जापान। G7 समिट 2023 की बात करें तो ये हेल्ड की गई हिरोशिमा जापान में। एडिशन रहा ये इसका 49th। इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज रहीं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरोस, कुक आइलैंड से इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन एंड वियतनाम। नेक्स्ट, मोदी बने हैं ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एड्रेस किया है US कांग्रेस को ट्वाइस। जून 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एड्रेस किया है जॉइंट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस को ट्वाइस इन अमेरिका। इन्होंने फर्स्ट टाइम US कांग्रेस को एड्रेस किया था 8 जून 2016 में, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, PM मोदी ने लॉन्च किया है 2 न्यू स्कीम्स को टू बूस्ट इंडियाज वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स। ये 2 स्कीम्स लॉन्च की गई थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 पर। फर्स्ट है मिष्टी योजना। मिष्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स।
ये हेल्प करेगी कंट्री में मैनग्रोव इकोसिस्टम को रिवाइव और प्रोटेक्ट करने में। सेकंड स्कीम है अमृत धरोहर योजना। ये स्कीम लॉन्च की गई है रामसार साइट्स के कंजर्वेशन के लिए। इन दोनों स्कीम्स को लॉन्च करने की एम है रिवाइव करना कंट्री के वेटलैंड्स और मैनग्रोव्स को। बात करें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। 2023 की थीम रही है इसकी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एड्रेस द 76th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसका एडिशन रहा ये 76th। ये हेल्ड की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम रही 2023 की WHO एट 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। बात करें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड हैं करंट में टेड्रोस अडानोम गैब्रेसस। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेडिकेट किया है नेशन को इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर IECC कॉम्प्लेक्स एट प्रगति मैदान ऑन 26 जुलाई 2023। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, इसे जाना जाता है एज भारत मंडपम। ये वेन्यू होगा अपकमिंग G20 समिट का, जो कि हेल्ड की जाएगी सितंबर 2023 में। लोकेशन रहेगी न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, G20 समिट 2024 की होस्ट कंट्री रहेगा ब्राज़ील, ये भी आप याद रखिएगा, और 2022 की होस्ट कंट्री रही थी बाली, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। ये कहाँ पर है? तो श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन इन हुबली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ अनवील किया गया है? तो याद रखिएगा कर्नाटक स्टेट में, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है, जिसकी लंबाई है 1,366.33 मीटर्स। और केरल का कोलम जंक्शन, ये थर्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई है 1,180.5 मीटर्स। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोची केरल। इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो या अनवील्ड की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहाँ पर? तो केरल के कोची में। ये मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड्स बोट्स के साथ, जो कि डेवलप की गई हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली अनवील किया है फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन आसाम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर शुरू की गई है? तो आंसर होगा आसाम। ये ट्रेन कनेक्ट करेगी असम के गुवाहाटी को और वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाइगुड़ी को, और ये जर्नी समय लेगी 5.5 आवर्स का। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ईयर 2023 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNG के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ इंडियाज़ प्रपोजल। बात करें मिलेट की, तो उन कोर्स ग्रेन्स को मिलेट कहा जाता है, जो कि हैं जवार, बाजरा, कोडो एट्सेट्रा, इनको कलेक्टिवली मिलेट कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट किया रेजीना डायलॉग को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 8th एडिशन ऑफ रेजीना डायलॉग कहाँ पर? तो याद रखिएगा जियोपॉलिटिक्स एंड जियो स्ट्रेटजी न्यू दिल्ली में। ये ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। ये डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया 2 से लेकर 4 मार्च 2023 तक। इसकी थीम रही प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। चीफ गेस्ट रहीं जॉर्जिया मेलोनी। साथ ही फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की।
बात करें रेजीना डायलॉग की, तो ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लोर करना पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर एशियन इंटीग्रेशन एज वेल एज बेटर इंटीग्रेशन ऑफ एशिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मोधेरा गुजरात। ये फर्स्ट विलेज है इंडिया का विच इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी। इस विलेज के पास है ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट एंड मोर देन 1300 रूफ टॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल ऑन होम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू चेयर हाई लेवल मीट ऑन इंडियंस स्ट्रैंडेड इन वॉर टॉर्न सूडान। मई 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चेयर किया हाई लेवल मीटिंग को सूडान में वॉर टॉर्न सिचुएशन में फंसे हुए इंडियन सिटीजन्स को वापस लाने के लिए। इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। एयरक्राफ्ट जो कि इन्वॉल्व रहे इस ऑपरेशन में, इंडियन एयरफोर्स की ओर से C-130J और इंडियन नेवी की ओर से INS सुमेधा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ नेम्ड द 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आफ्टर विच अवार्ड विनर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमवीर चक्र विनर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नामित किया है 21 आइलैंड्स को अंडमान और निकोबार के आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज। PM मोदी ने इस इवेंट को अटेंड किया इन पोर्ट प्लेयर विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एड्रेस किया है वन वर्ल्ड TB समिट 2023 को। कहाँ पर ये समिट एड्रेस की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, तो याद रखिएगा वाराणसी में। और इंडिया ने 2025 तक TB को इरेडिकेट करने का टारगेट सेट किया हुआ है, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया मानगढ़ धाम को एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बंसावा राजस्थान में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया भारत के 6G विजन डॉक्यूमेंट को और इनोग्रेट किया न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर। कहाँ पर ये इनोग्रेशन किया गया है, तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। बात करें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, तो ये एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1865 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और मेंबर्स हैं 193 स्टेट्स। सेक्रेटरी जनरल हैं करंट में डोरिन बोगेन मार्टिन। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेज्ड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मुंबई। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंक्लूड हैं 9 मेंबर्स। ये 9 कंट्रीज़ हैं इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ईरान। रिसेंट में ईरान इसका 9th मेंबर बना है। 2023 में SCO होस्ट कंट्री रही है इंडिया और थीम रही है SCO की टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी कहाँ पर, हिरोशिमा जापान में मई 2023 में। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है फर्स्ट लैंड पोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर। नेक्स्ट, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने हैं मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। इनकी अप्रूविंग रेटिंग है 78%। सेकेंड प्लेस पर रहे हैं मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रीज मैनुअल लोपेज ऑब्रेडर। इनकी अप्रूवल रेटिंग है 68%, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन 2023। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। इसकी एम है फाइंड करना सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सच एज क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बाय एक्सप्लोरिंग बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेशंस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रीवा मध्य प्रदेश। नेशनल पंचायती राज डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। थीम रही है इसकी 2023 की सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशेंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस।
नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है एशिया का बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2023। तो ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में। एडिशन रहा ये इसका 14th, थीम रही द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है जल जन अभियान को, कहाँ पर लॉन्च किया है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कहाँ पर लॉन्च किया है जल जन अभियान, तो याद रखिएगा राजस्थान के सिरोही में। ये लॉन्च किया गया है वाटर बॉडीज़ के संरक्षण करने के लिए। इसका उद्देश्य है इंडिया के 5000 से भी अधिक वाटर बॉडीज़ को प्रिजर्व करना और क्रिएट करना न्यू वाटर बॉडीज़ को। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया है स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नादा प्रभु कैंपगोड़ा इन बेंगलुरु। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा नादा प्रभु कैंपगोड़ा से, और ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, तो बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी की हाइट है 108 फीट और ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु हैज़ अनवील्ड द लोगो थीम एंड वेबसाइट फॉर इंडिया G20 चेयरमैनशिप इन 2023। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। इंडिया G20 चेयरमैनशिप 2023 में G20 का लोगो है लोटस इन ब्लूम, थीम है वासुदेवा कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वेबसाइट है www.g20.in, ऐप है इसका G20 इंडिया, और ये सब लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है वर्ल्ड का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन को ऑन द हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक OHE सेक्टर बिटवीन अजमेर एंड दिल्ली कैंट। ये ट्रेन फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन है जो कि रन करेगी ऑन हायर देन नॉर्मल OHE। इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये शुरू हुई थी वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में। कब शुरू हुई थी, 15 फरवरी 2019 में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लेड किया है 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, कहाँ पर, अब्रॉड में, न्यूयॉर्क में। इसकी थीम रही है 2023 की योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 21 जून 2015 में और इस डे की शुरुआत की गई है इंडिया से। नेक्स्ट, हु हैज़ चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द 41st एडिशन ऑफ मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। प्रगति, जिसकी फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विन। इस मीटिंग का पर्पज है जनरल पब्लिक की ग्रीवेंसेस को रिजोल्व करना। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है सल्फर कोटेड यूरिया जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा राजस्थान की सीकर डिस्ट्रिक्ट में। बात करें सल्फर कोटेड यूरिया की, तो ये सोइल में डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जी को ऑनर किया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 से, कहाँ पर, पुणे में। ये अवार्ड हर साल प्रेजेंट किया जाता है ऑन 1st अगस्त। मोदी जी इस अवार्ड के 41st रेसिपिएंट रहे हैं। ये ऑनर उन एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को दिया जाता है जिनका की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कंट्री के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिनोट कर दी है अपनी अवार्ड मनी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में। बात करें लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड की, तो ये अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 1983 में टू ऑनर द लेगेसी ऑफ लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट, हु हैज़ एड्रेस्ड द 5th इंटरनेशनल डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस 2023। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। इस कॉन्फ्रेंस की एम है डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना। इसकी थीम रही डिलीवरिंग रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेड किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लिटिल इंडिया गेटवे टू बी बिल्ट इन हैरिस पार्क, कहाँ पर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है केरल की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जो कि ऑपरेट करेगी थिरुवनंतपुरम और कन्नूर के बीच। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट किया है 6th एडिशन ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 को। तो कहाँ पर ये इनोग्रेट किया गया है, न्यू दिल्ली में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली।
इसकी थीम रही है रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस। एडिशन रहा ये सेवन्थ। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वाराणसी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास को फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ विया बांग्लादेश। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन SPM निवास को इनोग्रेट किया गया कोलकाता में किसके द्वारा? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसका बजट है 100 करोड़ रुपीज़। ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDWS के द्वारा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें कंसीडर किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर के रूप में, जो कि अलियर जानी जाती थी जनसंघ के नाम से। DSPM निवास आता है अंडर कंस्ट्रक्शन बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यूज़ 2023। इस सेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।